अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाज़िया अरशद। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। सबसे पहले शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से कुछ मुख्तसर खबरें देसी टीवी यूएसए इंटरनेशनल में। खून जमने की शिकायत पर अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का इस्तेमाल बंद। अमेरिका की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने फरवरी के इख्तिताम पर जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान जर्मनी के साथ नए इक्तिसादी ताल्लुकात चाहता है शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान और जर्मनी में 70 साल से दोस्ताना और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जिसने सबसे पहले मगरबी जर्मनी को तस्लीम किया था। नाइजीरिया में फौजी काफले पर हमला, 11 अहलकार हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया सेंट्रल नाइजीरिया की रियासत बेनवे में पेश आया, जहां मुसल्ला अफराद ने फौजी काफले पर हमला किया जिसके नतीजे में एक फौजी अफसर और 10 अहलकार हलाक हो गए। मुल्क में क्या हो रहा है जानते हैं देसी टीवी यूएसए नेशनल में। गवाह मुनहरिफ हो गया, उजैर बलोच 15वें मुकदमे से भी बरी। गैंग वॉर की सरगना उजैर जान बलोच के खिलाफ मुकदमे में गवाह मुनहरिफ हो गया, जिस पर मुकामी अदालत ने उजैर बलोच को पुलिस पर हमले के मुकदमे से बरी कर दिया। कराची बंदरगाह से करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ी गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची बंदरगाह पर कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की हीरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। हब में फुटबॉल मैच के दौरान धमाका, 12 अफराद जख्मी। धमाके के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि पुलिस ने फुटबॉल ग्राउंड और इलाके को घेरे में ले लिया। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात का काम संभालने की हिदायत कर दी। और अब देसी टीवी यूएसए अजीबोगरीब दुनिया। सख्त गर्मी और सांपों की मौजूदगी में स्केटबोर्ड पर 4000 किलोमीटर का सफर। टॉम डिरोरी ने कई माह की गर्मी, सांपों की मौजूदगी और मुश्किलात के बावजूद 4000 किलोमीटर का सफर स्केटिंग पर तय किया। सेहत की दुनिया से कुछ खबरें देसी टीवी हेल्थ में। बाकायदा वर्जिश जिगर को भी सेहतमंद रखती है। जापानी माहिरी ने कहा है बाकायदा वर्जिश से जिगर तंदुरुस्त और NAFLD में कमी वाकया होती है। और अब देसी टीवी यूएसए साइंस एंड टेक। जमीन पर कदीम जिंदगी के खात्मे के मजीद सबूत पाकिस्तान और चीन से दरियाफ्त। लगभग 25 करोड़ साल कबल जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज और दर्जा हरारत में इजाफे से 70% अनवा नापैद हो गई थी। कारोबारी दुनिया से कुछ अहम खबरें देसी टीवी यूएसए बिजनेस में। FBR ने फेटफ की शरात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। अंगूर अड्डा पर अगले 2 से 3 माह में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। यकुम रमजान और मुबारक को बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। इस दिन को जकात की कटौती के लिए बैंक तातील करार दिया गया है। और अब देसी टीवी यूएसए शोबिज। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हिदायतकार एस सुलेमान इंतकाल कर गए। एस सुलेमान को एक अरसे से फालिश था और वो ज़ियाबतीस के मर्ज में भी मुब्तला थे। शहरोज सब्जवारी की खून में लथपथ वीडियो वायरल। शहरोज इन दिनों अपनी साबका अहलिया के हमरा फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। खेलों की दुनिया से कुछ दिलचस्प खबरें देसी टीवी यूएसए स्पोर्ट्स में। जॉर्ज लिंडे ने मोहम्मद रिजवान को घेरने का प्लान जाहिर कर दिया। हमने जानबूझकर एडन मार्करम को 30 मीटर सर्कल के बजाय मिड ऑफ पर तैनात किया ताकि रिजवान ऊंचा शॉट खेलें। उमर अकमल के जुर्माने की किस्तों में अदायगी की दरख्वास्त मुस्तरद। खेलों की आलमी सालिसी अदालत ने उमर अकमल पर 42,50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।